मुख्तार अंसारी का नया कांड पंजाब की रोपड़ जेल से वसूलता था रंगदारी। मुख्तार अंसारी ने पंजाब जेल में बंद होने के दौरान जमकर वसूली की थी, जेल से ही कॉल करके रंगदारी वसूली थी। अब ईडी मुख्तार के करीबी जेल अफसरों पर कार्रवाई करने जा रहा है। मुख्तार अंसारी ने पंजाब जेल में बंद होने के दौरान जमकर वसूली की थी, जेल से ही कॉल करके रंगदारी वसूली थी। अब ईडी मुख्तार के करीबी जेल अफसरों पर कार्रवाई करने जा रही है। जेल अफसरों को समन भेजकर बयान के लिए बुलाया जा रहा है। इन जेल कर्मियों के मिली भगत की जांच चल रही है। इस केस में ईडी जांच करके अलग से आरोप पत्र दाखिल करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले कार्यकाल में ही माफिया मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसा तो उसे गिरफ्तार कर बांदा जेल भेज दिया गया। बांदा जेल में मुख्तार की मनमानी नहीं चल रही थी। इस बीच मुख्तार अंसारी के खिलाफ पंजाब के एक बिल्डर से 10 करोड़ की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। पंजाब पुलिस ने FIR दर्ज की और जेल से वारंट बनवा कर बांदा जेल से मुख्तार को पंजाब लेती गई। आरोप है कि पंजाब की जेल में मुख्तार की खातिरदारी शुरू हो गई। न केवल ऐशो आराम की सुविधा थी बल्कि उसे बातचीत के लिए मोबाइल भी मुहैया करा दिया गया। इस मोबाइल से वह जेल में बंद होने के बाद भी बड़े बिल्डर व व्यापारियों को कॉल करके धमकाने लगा। वहीं से रंगदारी वसूली शुरू हो गई, अवैध तरीके से कमाई की गई। इस काले धन का कहां कहां पर इस्तेमाल हुआ, इसकी ईडी का मुख्तार अंसारी से सवाल जवाब चल रहा है। मुख्तार के करीबी जेल अफसरों पर बुलाकर आमना सामना कराया जाएगा। उनके बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई होनी है। 28 दिसंबर तक मुख्तार अंसारी ईडी के कस्टडी में है।